स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? गाइस यूजुअली मैं पब्लिक चैनल पे भेजे हुए ट्रेड्स रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, बट ये एक न्यू स्ट्रेटेजी अब मैंने लगाई है, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड करके देखते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि हमको इसमें स्टॉप लॉस छोटा और टारगेट बड़ा लेना है। आप देख सकते हैं 38,100 का पी हमने दिया है 190 के रेट में बाय करने को, 149 के स्टॉप लॉस के साथ। और मैंने सिर्फ ऑब्जर्व करने को बोला है, ट्रेड ना करें तो बेटर है ऐसे, बिकॉज ये स्ट्रेटेजी का फर्स्ट ट्रेड है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ लेवल्स की, हमारी एंट्री क्या है, स्टॉप लॉस क्या है और हम टारगेट पॉसिबल क्या लेने वाले। खास बात यही है कि टारगेट हम इसमें बड़ा ले सकते हैं अगर चाहे तो। तो स्टॉप लॉस हमारा 149 का रहेगा, बराबर। अब टारगेट मैं उतना नहीं लगाऊंगा जितने का स्टॉप लॉस है, मैं थोड़ा बड़ा रखूंगा। तो फिलहाल मैं रैंडम सेट कर देता हूं कुछ भी, फिर देखा जाएगा आगे जो एग्ज़िट करने का जैसा लगेगा कैंडल के हिसाब से तो कर देंगे एग्ज़िट। फिलहाल नीचे जाता हुआ दिख रहा है, अगर कोई मूवमेंट आती है तो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूं। ओके गाइज, आप सबको पता है मेरे को म्यूज़िक के साथ ट्रेड करना काफ़ी पसंद है, और जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम लगा, 30 से 35 मिनट्स लगे मार्केट को अपसाइड देने में, बट फाइनली दे दिया और 1:1 के तो ऊपर चला ही गया। जितने का स्टॉप लॉस रखा था उसे तो ज़्यादा प्रॉफिट दे ही चुका है। आप देख सकते हैं 241 का है ऑलरेडी बना चुका है, ठीक है। हमारी एंट्री थी 190 आसपास, तो ये स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है। देखते हैं इसको अपन कैसे और ग्रो कर सकते हैं एंड इसमें से कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई दूसरा ट्रेड आता है प्राइवेट चैनल में तो मैं आपको स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? गाइस हमने एक हीरो वीरो ट्रेड लिया है, पुट का हीरो वीरो ट्रेड लिया है, बिकॉज मेरे को लग रहा है मार्केट थोड़ा वीक है। यहाँ से 38,100 का ही पुट जो मैंने पब्लिक में भेजा था वैसा ही उसका, लेकिन अलग एंट्री है, अलग टाइमिंग एंड प्राइस अलग अलग है। आप देख सकते हैं मैंने मार्क कर दिए लेवल्स, 240 से 245 के रेंज में बाय है और 207 का स्टॉप लॉस है, एंड टारगेट आपके सामने ही मैं दे रहा हूँ 277 से 280 के आसपास एंड मोर, बिकॉज मोर भी जा सकता है, तो जिनको ऊपर तक वेट करना है वो कर सकते हैं। तो ये पुट है, मुझे को लगता है थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, लेकिन मार्केट को नीचे जाना चाहिए, तो कोई मूवमेंट आती है तो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। ओके गाइस, एक बहुत कॉमेडी चीज़ हो गई, हमारा टारगेट तो अचीव हो चुका है 20-25 मिनट के अंदर अंदर, बट स्टॉप लॉस से 1 पॉइंट ऊपर से हमारा प्राइस रिवर्सल मारा, देख सकते हैं आप। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ हमारी एंट्री कहाँ थी, हमारी एंट्री करीब करीब ये कैंडल पे थी, ये वाली कैंडल पे, ओके ठीक है। वो नीचे आया प्राइस, उसके बाद मेरे को लगा ही था थोड़ा करेक्शन आएगा, बट इतना ज़्यादा आएगा वो नहीं पता थी। आप देख सकते हैं लो कितने का बनाया, ऊपर 208 का लो बनाया, और हमारा स्टॉप लॉस क्या था मैं दिखाता हूँ आपको। हमारा स्टॉप लॉस था 207 का, एग्जैक्ट 1 पॉइंट ऊपर से मार्केट ने रिवर्स मारा और हमारा टारगेट जाके हिट किया उसने। क्यों? लॉजिक है, एकदम क्लियर लॉजिक है आपका। स्टॉप लॉस अगर परफेक्ट होगा ना तो आप ट्रेड्स में जिंदा रहोगे। ये वाला कैंडल देख रहे हो आप, 207.80 का लो है, तो मैंने सोचा इस पर सपोर्ट है तो थोड़ा इसके नीचे बनाता हूँ। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट उसी पे आया और मार्केट ने अपसाइड दिया और टारगेट अचीव किया, 288 का हाई बनाया, देख सकते हैं आप, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस और टारगेट आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस के साथ आता है आपको, ठीक है। एंड रिसेंट में आप पबजी देख रहे हैं, मैं अपने पेशेंस को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए पबजी खेला करता हूँ, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट, एक लॉट पे 1000। अगर प्रीमियम चैनल पे ज्वाइन करना है फ्री में तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है।